सीआरपीएफ जवानों का एक और बहादुरी का कारनामा सामने आया है, जिनमें उन्होंने बर्फ में फंसी एक शादी की पार्टी को बचाया, बल्कि दूल्हे को ले जाने के लिए अतिरिक्त मील भी गए। उसकी होने वाली दुल्हन का घर पुलवामा जिले में है। जैसा कि किस्मत में था, एक दूल्हा बर्फ में भरी सड़क पर फंस गया था, जबकि नागबल त्राल के दूर दराज के ब्रेन पथरी गाँव में बारिश जारी थी। आगे क्या करना है इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, और साथ ही वो निर्धारित बड़े दिन के साथ डेट रखने के लिए दबाव बना रहा था। दूल्हे मुख्तार अहमद गोजर ने सीआरपीएफ के 180 बटालियन की एक टीम के रूप में एक अवर्णनीय आनंद देखा। जैसे कि मेरा नाम मुख्तार अहमद गोजर है, मैं ब्रेन पथरी से ताल्लुक रखता हूँ। जैसे कि आज मेरी शादी थी तो मुझे दुल्हन आने जाना था, तो बर्फ की वजह से हमारा रोड कट ऑफ हुआ था। तो हमने 180 सीआरपीएफ वालों को फोन किया, तुरंत तो उन्होंने एक्शन लिया और अपनी गाड़ी लेके हमें रेस्क्यू किया, और हमें बहुत दूर जाना था। जैसे कि हमें लेट भी हुआ तो फिर भी इन्होंने हमें बहुत टाइम बिल्कुल ही कम टाइम में हमें आप रेस्क्यू किया। हम लोग 180 सीआरपीएफ के हैं, जिनके अंडर में ब्रेन पथरी एक ट्राइबल एरिया का गांव है, ये पहाड़ों के ऊपर है। तो ये जो दूल्हा है, इन्होंने हमको कॉल किया, बोला सर मेरी शादी होनी है तो मुझे बर्फ गिरा हुआ है तो मैं जा नहीं सकता हूँ। तो हमने अपने सीनियर अफसर से परमिशन लेके जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो लेके बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, और ये पहला दूल्हा होगा जो सीआरपीएफ की गाड़ी में बैठ के अभी इसको हम वहाँ इनका ससुराल जाना है इनकी शादी के लिए गुतरू वहाँ तक छोड़ेंगे। पहला दूल्हा होगा जो सीआरपीएफ ने यहाँ रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से इनको हमारी गाड़ी में ले जाके इनका शादी शांतिपूर्वक और सेफ्टी से हम सफलतापूर्वक इसकी शादी करवाएंगे। एसएमजेड न्यूज इंडिया के लिए जम्मू कश्मीर से तौशिफ वानी की रिपोर्ट। सीआरपीएफ जवानों का एक और बहादुरी का कारनामा सामने आया है, जिनमें उन्होंने बर्फ में फंसी एक शादी की पार्टी को बचाया, बल्कि दूल्हे को ले जाने के लिए अतिरिक्त मील भी गए। उसकी होने वाली दुल्हन का घर पुलवामा जिले में है। जैसा कि किस्मत में था, एक दूल्हा बर्फ में भरी सड़क पर फंस गया था, जबकि नागबल त्राल के दूर दराज के ब्रेन पथरी गाँव में बारिश जारी थी। आगे क्या करना है इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, और साथ ही वो निर्धारित बड़े दिन के साथ डेट रखने के लिए दबाव बना रहा था। दूल्हे मुख्तार अहमद गोजर ने सीआरपीएफ के 180 बटालियन की एक टीम के रूप में एक अवर्णनीय आनंद देखा। जैसे कि मेरा नाम मुख्तार अहमद गोजर है, मैं ब्रेन पथरी से ताल्लुक रखता हूँ। जैसे कि आज मेरी शादी थी तो मुझे दुल्हन आने जाना था, तो बर्फ की वजह से हमारा रोड कट ऑफ हुआ था। तो हमने 180 सीआरपीएफ वालों को फोन किया, तुरंत तो उन्होंने एक्शन लिया और अपनी गाड़ी लेके हमें रेस्क्यू किया, और हमें बहुत दूर जाना था। जैसे कि हमें लेट भी हुआ तो फिर भी इन्होंने हमें बहुत टाइम बिल्कुल ही कम टाइम में हमें आप रेस्क्यू किया। हम लोग 180 सीआरपीएफ के हैं, जिनके अंडर में ब्रेन पथरी एक ट्राइबल एरिया का गांव है, ये पहाड़ों के ऊपर है। तो ये जो दूल्हा है, इन्होंने हमको कॉल किया, बोला सर मेरी शादी होनी है तो मुझे बर्फ गिरा हुआ है तो मैं जा नहीं सकता हूँ। तो हमने अपने सीनियर अफसर से परमिशन लेके जो हमारी गाड़ियां हैं वो लेके बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, और ये पहला दूल्हा होगा जो सीआरपीएफ की गाड़ी में बैठ के अभी इसको हम वहाँ इनका ससुराल जाना है इनकी शादी के लिए गुतरू वहाँ तक छोड़ेंगे। पहला दूल्हा होगा जो सीआरपीएफ ने यहाँ रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से इनको हमारी गाड़ी में ले जाके इनका शादी शांतिपूर्वक और सेफ्टी से हम सफलतापूर्वक इसकी शादी करवाएंगे। एसएमजेड न्यूज इंडिया के लिए जम्मू कश्मीर से तौशिफ वानी की रिपोर्ट।